इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर क्षेत्र के थाना सैद नगर गांव सकतपुर के हरी सिंह पुत्र नरेश के साथ वसुंधरा कंपनी में टेंडर का ठेका देने के नाम पर 14 लाख की हुई ठगी, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। शायद नगरी थाना क्षेत्र के गांव सकरपुर निवासी हरि सिंह पुत्र थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके घर पर विजय यादव पुत्र ओम प्रकाश निवासी इटावा उर्फ हीरापुर थाना गढ़ोर न जनपद संभल आए, जिन्होंने उनको कहा कि वसुंधरा कंपनी 5 करोड़ का टेंडर कर रही है, जो आपको मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके एवज में आपको टेंडर की रकम की 20% नगद राशि कंपनी में जमा करनी पड़ेगी। इस शर्त पर मान गया और 14 लाख रुपए की रकम को 3 किस्तों में दे दिया। वहीं काफी समय बीत जाने के बाद जब पीड़ित ने उसे टेंडर दिलवाने की बात कही तो ठग ने कहा कि अभी कुछ समय और रुक जाओ। जहां कुछ समय बाद पीड़ित ने दोबारा ठग से बात की तो उसने कहा कि यदि तूने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिसको लेकर पीड़ित मानसिक रूप से परेशान हो गया और मंगलवार को थाने पहुंच गया और उसके खिलाफ तहरीर देकर पैसे दिलाने की मांग की। क्या नाम आपका? हरी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सकतपुर। अच्छा, क्या मामला? पूरा मामला ये है सर, एक लड़का आया मेरे पास, मेरा मुझे जानने वाला था, मेरा पहले से जानता था, मुझे आया और मुझसे बोला भाई टेंडर लेंगे रोड का, और रोड का टेंडर ले करके और उसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, बोले कहना 5 करोड़ टेंडर में 20% सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको जो है बोला यार सही है, कर देंगे भाई, क्योंकि विश्वास बात एक विश्वास चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ की है। और उससे आया और 14 लाख रुपये उससे ले गया, और 14 लाख के लिए काफ़ी दिन हो गए, 8 महीने हो गए, और फिर मैंने उससे कहा भाई टेंडर क्या हुआ यार, मेरे पैसे वापस दो टेंडर के लिए। तो उसने जान से मारने धमकी दी और कहा भाई ये तो धोखाधड़ी हम करते रहते हैं, मेरे पास रिपोर्टिंग है इस चीज़ की, और बोले अगर कोई पार्टी दिलाओ आप मुझे ऐसी जैसे तुम फंस गए ऐसे दिलाओ आपके पैसे वापस कर देंगे, इसकी भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड देंगे उसकी। और मैंने मुझे शक हुआ इस चीज़ का कि मैं जो है मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो मैं जाके थाना सैद नगरी में मैंने तहरीर दी, प्रार्थना पत्र दिया, तो प्रार्थना पत्र में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे 8 दिन से गुमराह कर रहे हैं, ना तो उसमें मुकदमा लिखा, और एक व्यक्ति पकड़ के भी दे दिया मैंने, उन्होंने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, 2 दिन हो गए उसको थाने में पड़े हुए। मैंने कहा साहब कार्रवाई करो, दरवाजे कह रहे बोले जब तक साहब की मिठाई पानी नहीं जाएगी तब तक कैसे काम चलेगा, हैं ऐसे तो आप नहीं कहेंगे ऐसे, जब तक आप 30,000 रुपये दीजिए आपका काम होगा। और मैं बताऊँ, मैं तो पहले लुटा बैठा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मैं तो मरने को तैयार हूँ, मैं क्या करूँ बताऊँ, और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। और कल उसके घर वाले आए, मुझे जान से मारने धमकी और दे रहे, बोले इसे उठा लो और 4 से इसे बंद कराओ गुन्नौर थाने में, ये और कह रहे साहब बताओ। और वो लड़का जो है इटौगा उर्फ हीरापुर गांव थाना गुन्नौर और का रहने वाला है, जिला संभल का, और 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति अलीगढ़ का है, उसमें 2 व्यक्ति मैं वैसे पहचानता हूँ हलिया से, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। इनके बताने पर मुझे पता लगा है कि दो जने हैं वो मोमडन हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या नाम है कहाँ के, मैंने देखा नहीं। मैं तो पहली बार मैं तो इसे जानता था कि लड़के विजय यादव को इटौगा के को, और वो थाने बंद है, ना उसके साथ कोई कार्रवाई हुई, और मुझे धमकी और दे रहे हैं कि 151 में चालान काट देंगे, ये तुम 30,000 दोगे 1 लाख देंगे, हम जो है इनका काम पहले हो जाएगा, पैसे वाले काम पहले होता है। सर बताओ मैं क्या करूँ, मेरे साथ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए, और अगर मेरे साथ जान से मारने धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ अगर कोई अनहोनी दुर्घटना होती है उसकी सेहत नगली जुम्मेवार होगी पुलिस। सब ये लोग दबंग हैं, इसका चाचा बदमाश है, जयपाल नाम है उसका, इटौगा हीरापुर का, ये तो एक बदमाश टाइप के आदमी, दबंग टाइप के आदमी है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।